Hey guys, back with Swirl Tournament and update video. So, आज अप्रश स्पोर्ट्स का प्रो शोडाउन का सेमीफाइनल का डे 3 था जो कि अभी खत्म हो गया है. एंड अब बात करते हैं ओवरऑल स्टैंडिंग का. तो टॉप पे टीम ग्लोबल स्पोर्ट्स है विद 152 पॉइंट एंड थर्ड पे टीम एनिग्मा है विद 144 पॉइंट एंड थर्ड पे टीम एक्सो है विद 129 पॉइंट एंड सोल हैशटैग 5 पे है विद 114 पॉइंट. तो ये था ओवरऑल स्टैंडिंग आफ्टर डे 3 एंड. अब बात करते हैं मैचेस का. तो मैच 3 में जो कि इरेंगल का मैप था, तो इरेंगल का मैप में सोल ने 12 किल निकाले जिसमें सोल अक्षत ने सोलो 5 किल निकाले एंड सोल गॉब्लिन ने ऑलमोस्ट 1v3 कर दिया था टीम एक्स पाक को. तो वो मैच आप आगे देख सकते हो. एंड उससे पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, आपको ऐसे ही सोल का तोड़फोड़ वीडियो एंड अपडेट वीडियो मिलता रहेगा. तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत एंड आज 40K कर दो कैसे भी, अभी तक 40K हुआ नहीं है. एंड अगर आपको फुल मैच देखना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो. सो अब चलते हैं मैच की तरफ. वरना यहाँ से एक और प्लेयर अगर घुटनों पर आया तो पूरी की पूरी टीम मेहम यहाँ एलिमिनेट हो सकती है. बट साथ रुकना नहीं चाह रहे वो इस क्लोज रेंज फाइट के अंदर. यूएमपी का एक लाजवाब प्रदर्शन करके दिखाते हुए बट दूसरी छोर पर टेम्पेस बचे हैं, एक लौते सर्वाइविंग प्लेयर फ्रॉम टीम मेहम. और उनके सामने थी टीम एडविट थी इस वजह से क्योंकि सोल की एंट्री हुई है और सोल ने पूरी की एंट्री हुई है और सोल ने पूरी की पूरी टीम एडविट को इस मैच से बाहर कर दिया है. Well, that was indeed a great fight. But इसी के साथ साथ सोल के अक्षत मेहम कैटलास को भी डाउन करी निंबा गैलेक्सी की ड्रीम्स यहाँ पे ग्लोबल स्पोर्ट्स के जोकर को रन ओवर करती हुई नजर आएंगे. स्प्रे गॉड की स्प्रे से मानिया डाउन हो जाएगी, एजे वो भी डाउन होते हैं. उसी के साथ साथ इफ आई एम नॉट रॉन्ग टीम ग्लोबल स्पोर्ट्स भी इस मैच से अलविदा लेते हुए नजर आ जाएंगे. रिटेलिएशन में जरूर से अलादीन को यहाँ पे नॉक किया गया था या फिर फ्रेश ऑफ भी कर दिया जाएगा वो देखने वाली बात रहेगी. बट ग्लोबल स्पोर्ट्स का एलिमिनेशन जरूर से थोड़ा सा मुश्किलदायक साबित हो रहा है. टीम सोल 7C एंड ओरांगुटन इन तीन टीम के पास इस मैच में सबसे बढ़िया स्टार्ट है. दो 7C अपने दो प्लेयर्स को खो चुके और ओरांगुटन अपने तीन प्लेयर्स को खो चुके बट सोल उनके पास अभी भी अपने चारों प्लेयर्स जीवित है जिसके लिए उनको सोल के पास काफी अच्छे फिनिशर्स ऑलरेडी आ चुके हैं. वो अगर इस वक्त ब्लाइंड के तरफ पोशन कर रहे हैं तो टीम ब्लाइंड संभल कर रही है क्योंकि टीम सोल ऑलरेडी एक अग्रेशन के साथ खेल रही है. ऑलरेडी उनके पास काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल जा रहा है. दूसरी तरफ हम टीम ओआर और केमिनी स्पोर्ट्स के बीच एक फाइट की शुरुआत होते हुए गॉब्लिन के द्वारा ब्लाइंड के रेंज को डाउन कर दिया गया है. टीम ब्लाइंड अब यहां से इन्हें बच पाना, इनका यहां से सर्वाइव कर पाना तो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा क्योंकि मल्टीपल एंगल से स्प्रेज आ रहे हैं. ये जो फ्लैंक किए जा रहे हैं आप गॉब्लिन को देखिए, वो एक पोजीशन पर रुकी नहीं रहे, वो लगातार अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, लगातार प्लेयर्स को स्पॉट करना चाह रहे हैं. गॉब्लिन काफी बढ़िया गेम प्ले इस मैच के अंदर दिखा रहे हैं क्योंकि तीन फिनिशर्स निकाल चुके हैं. पहला इरेंगल मुकाबला था जहां अक्षत को हमने डोमिनेशन दिखाते हुए देखा था. गॉब्लिन वो डिसीजन आपके ऊपर है कि आप क्या करने वाले हो. फिलहाल के लिए नीड जो जा रहे, अगर अच्छा कनेक्शन निकाला तो डेफिनेटली ब्लाइंड के एक पेयर को डाउन कर सकते हैं. जल्दी आएंगे, अक्षत को डाउन कीजिएगा, ब्लाइंड के शैडो को सोल के अक्षत के द्वारा डाउन किया जाएगा. एंड राइट नाउ ब्लाइंड इज डाउन टू अ सिंगल पर्सन जिसके ऊपर शायद से टीम सोल की नजर बनी रहेगी और इसका कंट्रोल लिया जाएगा. अक्षत वहां पे क्लोज इन करेंगे, कुछ प्री फायर दिया जाएगा. टेडपुल वहां पे मौजूद है, टेडपुल को स्पॉट करते हुए पिक्सेल एचपी पे छोड़ दिया जाएगा. अक्षत के ऊपर वो फिनिश पॉइंट आ सकते हैं बट राइट नाउ एट दिस पर्टिकुलर पोजिशन ब्लाइंड पूरी तरीके से ट्रैप आउट हो चुके हैं जिससे एक ऐसे पोजीशन से जहां से उनका बचना शायद से नामुमकिन हो चुका है. बिल्कुल अभी के लिए एक ऐसी पोजीशन पर है जहां से निकल पाना तो खैर बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि सोल के खिलाड़ी अलग अलग एंगल से अपने आप को बिल्कुल सेफ रखते हुए पिन डाउन करके बैठे हैं ब्लाइंड के प्लेयर को. डेडपूल को यहां पर पिन डाउन किया गया है. उनके जो टीममेट है वो तो चलिए अभी के लिए नॉक्ड है. दूसरी तरफ हम हैदराबाद हाइड्रास को देख पा रहे हैं, काफी अच्छा कंपाउंड वो होल्ड कर चुके हैं, सर्कल का एक अच्छा हिस्सा उनके पास आ चुका है. बट दूसरी तरफ ओआर के प्लेयर एट वो अभी अभी एक प्लेयर को नॉक करते हुए देखने को मिले. स्मोक लगातार किए जा रहे हैं. गॉब्लिन को पता है कितना रिस्की है ओपन में आगे जाना बट उसी के साथ अक्षत का एक प्रिसाइज प्ले आएगा, डेडपूल को डाउन किया जाएगा और सर्कल बन चुका है पांचवा सर्कल. सोल बट क्या वो सफिशिएंट रहेगा? स्काउट को बहुत ज्यादा डैमेज किया गया. एक और नेड अल्ट्रॉन की तरफ से आता है और टीम सोल टीम एक्सपा की एक बहुत बहुत बड़ा एक्सपेक्टर वाला फाइट हो सकता है. बट मीनवाइल यहां पे केमिनी स्पोर्ट्स को इस मैच से बाहर कर दिया गया अक्षत के द्वारा. अक्षत ही इज ऑन अ रैम्पेज राइट नाउ. एक के बाद एक मैचेस, एक के बाद एक फाइट वो निकालते हुए जा रहे बट ओमेगा का यहां पे डाउन होना शायद से के लिए थोड़ा और मुश्किलदायक बन सकता है.
बिल्कुल मुश्किलदायक बन सकता है। गॉबलिन आप देखिए नॉक्ड है, ओमेगा अभी के लिए डाउन है, दोनों को रिवाइवल मिल पाना मेरे ख्याल से तो मुश्किल नजर आ रहा है, बट हाँ अभी के लिए एक खिलाड़ी को जरूर से रिवाइव किया जाएगा। अल्ट्रॉन व्हीकल को बर्स्ट कर रहे हैं, उन्हें पता है उस शैक में दो प्लेयर्स हैं, तो उसके लिए अपने अपने आप को सेफ रखना है। सेफ रखने के लिए आपको आर्टिफिशियल कवर्स क्रिएट करने हैं और वो ऑलरेडी किए जा चुके हैं। अल्ट्रॉन स्कोपिंग करके बैठे हैं कि एक पिक्सल दिखे, कोई एक खिलाड़ी बस उस निकले शैक से और उनको स्प्रे के साथ डाउन कर दिया जाए। अल्ट्रॉन कोशिशें काफी चल रही है, टीम एक्सपर्ट के पास अभी भी जीरो फिनिशेस हमें देखने को मिल रहे हैं, बट अक्षत कितनी चालाकी से, कितना प्रिसाइज रोटेशन इनका देखने को मिला। गॉब्लिन के द्वारा 420 ओपी को डाउन किया जा चुका है, स्कार्फ की एचपी देखिए, डॉट एचपी के साथ बचे बाल बाल और अभी अभी अपने आप को एक हार्ड कवर के पीछे लेकर जाने में कामयाब जरूर हुए, बट हेक्टर को उसी दौरान डाउन किया गया स्काउट के द्वारा और फिनिश भी किया जा चुका है। बट अगर आप इतनी कम एचपी होने के बावजूद इस तरीके से पीक करेंगे, अपने आप को एक्सपोज करेंगे, तो आपको पनिश किया जाएगा। गॉब्लिन रुक ही नहीं रहे, स्काउट के बाद अल्ट्रॉन को डाउन कर चुके हैं और अब बचे सैयद ओपी, एक लौटे खिलाड़ी फ्रॉम टीम एक्सपर्ट और उनकी तरफ तेजी से बढ़ते हुए, बट सामने से M4 का जो सटीक स्प्रे आया उसके बदौलत गॉब्लिन को डाउन किया जा चुका है। अक्षत एक लौटे प्लेयर अपनी टीम से, क्या अपनी टीम को यहां एक पोजीशन और ऊपर लेकर आ सकते हैं, क्या टीम एक्सपर्ट को एलिमिनेट करके वो थोड़ा और सर्वाइव कर सकते हैं, क्या कुछ और प्लेसमेंट पॉइंट अर्जित कर सकते हैं, उससे पहले गॉब्लिन को फिनिश किया जाएगा और देखना यहां से ये है कि अक्षत अपनी टीम को कहां तक लेकर जाते हैं। सर्कल के अंदर एंट्री लेना अक्षत के लिए बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल लगा, बट जाते जाते कुछ बढ़िया फिनिश पॉइंट्स निकाल के टीम एक्सपर्ट को हाइड्रास के द्वारा एलिमिनेट कर दिया जाएगा। टोटल 12 फिनिशर्स टीम सोल अभी फिर से हम देख तो कैसे लगा आपको सोल का ये 12 किल, मुझे कमेंट करके बताना। तो बस आज के वीडियो को बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सोल के अपडेट एंड तोड़फोड़ के साथ, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कीप प्लेइंग कीप सपोर्टिंग, बाय।